हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ गोलगप्पे। उसके लिए मैंने वाइट चने ले लिए, उसको बॉईल कर लिए अच्छी तरह से। उसके बाद मैं ये गोलगप्पे जो है वो बाज़ार से रेडीमेड का पूरा एक पैकेट लेके आई थी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ब्लैक चने लिए हैं और उसको भी मैंने बॉयल कर लिया था। तो दो तरह से मैंने चने लिए हैं। आलू जो है वो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, अगर आप चाहें तो आलू और प्याज जो है वो भी चॉप करके ले सकते हैं। यहाँ पे अब मैं रेडी कर रही हूँ गोलगप्पों का पानी। तो इसके लिए मैंने एक चम्मच भर के ले लिया है चाट मसाला, टार्टरी मैंने ले लिया एक चम्मच, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लिया है, काली मिर्च एक चम्मच ले लिया है, काला नमक ले लिया है, ज़ीरा पाउडर ले लिया और धनिया पाउडर ले लिया है। यहाँ पे मैं हरी चटनी बना रही हूँ, इसके लिए मैंने हैंडफुल धनिया ले लिया है, पुदीना ले लिया है, 7-8 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। और यहाँ पे मैं इसकी हरी चटनी बनाऊँगी और जितने भी स्पाइसेस थे तो उसके अंदर मैंने ये हरी चटनी डाल के तकरीबन आधा जग मैंने पानी का डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त हाजमेदार जो हमारा गोलगप्पों का पानी है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली, उसमें गोलगप्पे सारे रख लिए हैं और उसमें मैंने होल कर लिया है। और जो ब्लैक चने मैंने बॉयल किए थे सारे मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और हम लोग चाहें तो इसमें आलू और प्याज भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो प्याज और आलू जो है वो नहीं खाते, तो इसलिए मैंने खाली चने ही लिए हैं। और बहुत मज़े के बनते हैं ये सफ़ेद चने जो मैंने लिए थे। इसको मैंने थोड़ा सॉफ्ट जो है वो गलाया था मैशी फॉर्म में, तो इसको भी मैं तमाम गोलगप्पों में जो है वो फिल कर लूँगी। और यहाँ पे हमने दही जो फेंट के रखा हुआ था इसको मैंने अच्छी तरह से चिल कर लिया था और ये गोलगप्पों के ऊपर मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है। और तमाम जगह जो है इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। उसके बाद यहाँ पे मैंने इमली की चटनी बनाई थी, ये भी मैं शामिल कर दूँगी और चाट मसाला। तो मेरे मज़ेदार गोल गप्पे बन के रेडी हो गए। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।